क्या हो गया शीना जी? पावा काजल की सीढ़ी और पायल के पास? भगवान, अब तक तो काजल की नादानी को मैं किसी भी तरह छिपा रही थी, लेकिन अभी आंखों देखे पर पर्दा मैं कैसे डालूं? अब जब मैं महेश से मिलने जाऊंगी तो ये वाली ड्रेस पहन कर जाऊंगी, फिर देखती हूँ वो मुझसे इंप्रेस कैसे नहीं होता। अरे पायल आओ ना। यही है ना वो सीढ़ी जो तुम और बुआ ढूंढ रही थी? तुम्हारे पास कैसे है ये सीढ़ी पायल? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे अपनी छोटी बहन से छुपाए रखी? अब मुझे समझ में आया कि ये सीढ़ी नहीं मिलने पर तुम इतनी परेशान क्यों थी। तुम्हें यही डर था ना कि कहीं महेश जी को तुम्हारी सच्चाई का पता ना चल जाए। जब तुम्हारी शादी हो चुकी है काजल, तो तुम उन सीधे साधे लोगों को धोखा क्यों दे रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो उनसे? देखा, तुमने अपनी दीदी से ज्यादा सीढ़ी पे भरोसा किया ना। वो दीदी जिसे तुम बचपन से जानती हो, फिर भी पाए तुम्हारी कोई गलती नहीं है पायल। सफारे लड़के ने अपना काम ही इतना परफेक्ट किया है कि कोई भी धोखा खा सकता है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। कैसे समझोगे पायल? क्योंकि वो सीढ़ी तुमने ध्यान से देखी नहीं। अगर वो सीढ़ी तुम ध्यान से देखती तो तुम्हें पता चल जाता कि वो सीढ़ी नकली है। किसी और के चेहरे पे मेरा चेहरा लगाया गया है। लेकिन किसी और के चेहरे पर तुम्हारा चेहरा क्यों? ब्लैकमेल करने के लिए। काफी दिनों से एक आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन दीदी, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है पायल, पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी आजकल इतनी आगे निकल चुकी है कि कुछ भी किया जा सकता है। तुम तो जानते हो कि माँ का दिल कितना कमजोर है। अगर मैं उन्हें ये सब बता दी तो पता नहीं उनका दिल कैसे सहन कर पाता है सारी बातें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सारी बातें अपने तक रखूंगी, लेकिन से अकेले सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने मजबूर होकर बुआ को ये सब बता दिया। पर दीदी, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल तो सच्चाई सामने आएगी ही ना। जब तूने मेरा विश्वास नहीं किया तो वो लोग कैसे करेंगे? I'm sorry दीदी, मैंने तुम पर शक किया। तो रसगुल्ले खाओ। हाँ भी, आप तो जानती है ना कि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एकदम नरम है, बिल्कुल हमारी भावना के दिल की तरह। लाख मना करने के बावजूद भी इसकी बहू इसका अपमान करके शूटिंग पर चली जाएगी।
लेकिन भावना को कोई चिंता नहीं है। दरअसल हमारी भोली गाय का दिल बहुत बड़ा है, बहुत सहनशील है ना वो। इसकी जगह पर अगर मैं होती तो या तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे घर में ले आती या फिर उसे घर से बाहर निकाल देती। लेकिन हमारी भावना कुछ नहीं करेगी। भाभी, डोंट फील बैड। आप तो जानती हैं कि भावना बिंदिया के साथ कभी जबरदस्ती कर ही नहीं सकती। बिंदिया के सामने तो उसका मान सम्मान कुछ मायने ही नहीं रखता। कम अब देखो ना, उसकी बहू टिक टॉप तैयार होकर उसकी नजरों के सामने से निकल जाएगी, लेकिन हमारी भावना बेचारी अपना समूह लेकर रह जाएगी। क्या हुआ? मैंने इतना नाटक करके पायल को बेवकूफ बनाया और आप अब तक परेशान हो? कम ऑन बुआ, अब पायल की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, मैंने कहा ना तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पल ठीक उसी जगह पे आ जा रहा। अब बार बार मुझे फोन मत करो, मैं बिजी। काजल, गुस्से से काम नहीं चलेगा, तुझे अब और भी होशियारी बरतनी होगी इस आदमी का मुंह बंद रखने के लिए। मैं जानती हूँ कि पायल जैसी है ना, वो तो इस मामले की जड़ तक किसी ना किसी तरह तो पहुंच ही जाएगी। आप चिंता मत कीजिए बुआ, मैं आज ही उससे मिलकर कह दूंगी कि जो कुछ उसे चाहिए ले देकर हमेशा मिशा के लिए मामला खत्म करे। अरे मामला कैसे खत्म कर देगी तू काजल? वाह, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पैसा। एक मोटी सी रकम ना मैं उसके मुंह पर फेंक के मारूंगी तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सो रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? हाँ, कैसे रिलैक्स करूँ मैं काजल? मुसीबत अब सिर्फ पायल नहीं है, वो बिंदिया भी है। सोच काजल, अगर पायल और बिंदिया एक दूसरे के साथ मिल गए तो फिर तो तेरा ही वाला परिवार की बहू बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा ना। हुआ, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। बिल्कुल परेशान मत होइए, जस्ट रिलैक्स। ओके, मेरे मना करने के बावजूद तुमने शूटिंग पर जाना बंद नहीं किया। लगता है तुम इस घर में रहना ही नहीं चाहती, और अगर रहना चाहती हो तो अभी के अभी अपने कमरे में चली जाओ। भावना, बिंदिया को जाने दो। जा। नहीं जाओगी। आज तक मेरे भोलेपन को तुम हमेशा नजरअंदाज करती रही और ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तक मेरी भावनाओं को तुम नजरअंदाज करती आई हो, लेकिन अब ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी जी, We'll be right back.
मैं आप सबसे विनती करता हूं, बिंदिया को कुछ मत कहिए प्लीज। माँ तुम क्यों नहीं चाहती हो कि बिंदिया काम करे, उसमें इसको खुशी मिलती है और वो एक्टिंग मुझसे पूछ कर कर रही है। एक बात बताओ माँ, अगर तुम्हारा बेटा टीवी इंडस्ट्री में काम कर सकता है तो तुम्हारी बहू क्यों नहीं? आज मैं देख रही हूं कि मेरा बेटा नहीं बल्कि बिंदिया का पति मुझे जवाब दे रहा है। शाबाश बेटा, आज अपनी पत्नी की तरफदारी करके तुम अपनी माँ को कसूरवार ठहरवा रहे हो। अच्छा बेटा, आज मुझे पहली बार वाकई में ऐसा लग रहा है मेरा बेटा बड़ा हो गया है। माँ तुम फिर गलत समझ रही हो, टीवी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि शादीशुदा हैं, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को संभालती हैं और साथ में काम भी करती हैं। तो फिर बिंदिया के साथ ही ऐसी सख्ती क्यों? मुझे और कोई बात नहीं सुननी है, बस। जी काका, आपने हमें बचपन से सिखाया है कि घर के सभी लोगों को अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? जी काका, अगर घर की बहू में एक अच्छी एक्ट्रेस बनने की काबिलियत है, क्यों उसे अपना काम छोड़कर घर पर बैठ जाना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इस काम में बुराई क्या है। देख पप्पू, मैं भी रोहित के बात के साथ पूरी सहमत हूँ। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ और ना कभी हो सकती। हम दोनों ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि घर में दरार हो। अगर घर के एक भी सदस्य की असहमति हुई तो मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं, बिंदिया शूटिंग पर कभी नहीं जाएगी। अगर घर के किसी मामले में सबकी अलग अलग राय है तो अच्छा यही होगा रोहित कि फैसला तुम्हारे जी का कर ले। अगर ऐसी बात है तो आज सबके सामने मैं वादा करती हूं, बापूजी ने अगर हाँ कहा तो मैं बिंदिया को शूटिंग पर जाने से कभी नहीं रोकूंगी। अगर तुम सब लोग ये फैसला मुझ पर छोड़ते हो तो ठीक है, मैं कल शाम 5 बजे सब लोगों के सामने अपना फैसला सुनाऊंगा। ये देख, ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है ना, खास तेरे लिए बनवाया है। माँ, आप काजल दीदी को लेकर परेशान होना। मैंने क्या सोचा है पता है, ये तुम मेहंदी की रस्म के वक्त पहनना, बहुत सुंदर लगेगा। माँ ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, टाल क्यों रही है माँ? तुम मुझे बार बार वो सवाल क्यों पूछ रही हो पाल, जिसका मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगी। हो सकता है माँ सीडी के बारे में जानती हो, लेकिन मुझसे क्यों छुपा रही है? बच्चे चाहे लाख गुना क्यों न करे पर माँ का दिल अपने बच्चों को मासूम ही समझता है, उनके किए हुए हर गुना को छुपाने की कोशिश करता है और मैं भी वही करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है ना? बात है बेटा, तू क्यों परेशान है? माँ वो मैं क्या
बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं बस काजल दीदी के बारे में सोच रही थी। अरे मैं तो भूल ही गई, शादी का कितना काम पड़ा है, मैं जाती हूँ। माँ शायद दीदी की शादी को लेकर परेशान है, उन्हें सीडी के बारे में कुछ नहीं बताना ही ठीक रहेगा। लेकिन मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मैं दीदी की खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। ऐसा लगता है जानकी, जैसे हमारी अपनी जिंदगी पर हमारा कोई हक ही नहीं है, हमारी अपनी खुशी, अपने फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं है। बिंदिया देखो, ऐसे दुखी नहीं होते। और फिर ज्वाइंट फैमिली का मतलब ही तो ये होता है कि उसमें कभी कोई अकेला नहीं रहता। परिवार के हर सदस्य के लिए अपने हित से बढ़कर अपने परिवार का हित होता है। अपना किनारा छोड़े बिना कभी कोई नदी आप किसी समंदर से जाकर मिल पाई है? लेकिन ये सब कुछ हम सिर्फ छोटों पर ही क्यों लागू होता है, घर के बड़ों के लिए कुछ? क्या उनकी इच्छा के लिए हमारी अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना जरूरी है? जानकी, हमारी खुशी की तरफ उनका कोई फर्ज नहीं है। बिंदिया, लेकिन उनका अनुभव हमसे ज्यादा है, इस बात को तो मानती हो ना? हो सकता है उनकी नजरें कुछ ऐसी बातें देख पा रही हो जिसे हम सोच भी ना पा रहे हो। तुम ठीक कह रही हो जानकी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि चाहे मुझे अपना ये करियर, अपने सपने, सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जी काका के फैसले का ईमान रखूंगी। हिम्मत हो गई कि तुम इस घर तक आने लगे? क्यों आए हो? तुम्हारा प्यार खींच लाया मुझे यहाँ पर। वैसे दो चार दिन से तुम फोन पे कुछ अच्छे से बात नहीं कर रही थी, सोचा तुमसे मिलते हुए चलूं। देखो, मैं नहीं चाहती इस घर में तुम्हें कोई देखे। अब पको क्या चाहिए तुम्हें? प्यासा कुएं के पास क्यों आता है यह मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैसा चाहिए मुझे, निकाल पैसा। ज्यादा मुंह मत फाड़, वरना मुंह बंद करने के लायक नहीं रहेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे ना? क्या बताऊं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो दारू 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 400 की मिलने लगी है। 10,000 कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। नाटक बंद कर, निकाल पैसे। एक भी पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। आप मुझे बात करने दीजिए। तो वो तुम ही हो जो मेरी दीदी को ब्लैकमेल कर रहे हो? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा पाला मेरी सीधी साधी दीदी से पड़ा है, वरना अगर मुझसे उलझने की कोशिश की होती ना तो ऐसा सबक सिखाती कि पैसे के नाम से भी डरते तुम। और हाँ, अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो दोबारा मेरी दीदी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझे? ये पायल तो मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी, कहीं ये आदमी बिगड़ गया तो मेरी शादी ही ना रुकवा दे।